प्रधान 50 रुपए के भैया, ये तो काली मिर्ची वाली टोफियां हैं। हम अलर्ट रहेंगे तब अलर्ट रहेंगे, तब ना कोई भोसड़ी के हाथ नहीं उठाएगा। तो बाबा की दया आ गया है वाराणसी, काशी विश्वनाथ सन्नी देव का हाथ उठेगा नहीं। अरे बना के दिखाएगा ये त्रिपुरा दिकदनुजाम तम गिरिजा कांतम सदैव। ये सब बुला रहे हैं लॉकर के लिए, लॉकर लो, इनका सामान लो, फिर मंदिर में जाओ। ये देख लो भाई, शादीशुदा इंसान ऐसे लेके जाते हैं भाई, देखो काशी से वो वैसे लेके जाते हैं, पैसे निकालने की प्रक्रिया जारी है। इतने ठंडे पानी में इस तरह से देख लो भाई, कितने रुपए निकाले हैं। वाह, देखो भाई ये घाट है, घाट से इस तरफ दरवाजे हैं भाई साहब। तो आपके कपड़े वगैरह रख लेंगे और आपको चेंज करने के लिए, अभी हम भी स्नान करेंगे यहाँ पे, उसके बाद दर्शन करेंगे बाबा के। ये लो भाई दोस्तों, अभी यहाँ पे है ना स्नान करेंगे। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ओम नमः शिवाय, महादेव। हरियाणा के छोरे पापा की दया है, ये बदले मनाए ले। ओम नमः, हर हर गंगे उबे ते मुड बोजी जट लाग भाई, इतना नहीं लागा कि मेरी ये मारडुप के रिसे मत काट ली। वाय 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 वाय, वाह भाई वाह। ये हुआ भाई, हर नमः शिवाय, जय जय गिरिवर राज किशोरी, फड़ाना माता जगत जननी दामिनी दूती गाता। माला कान में चला गया मेरा, एक और रह गया, मेरा पाप मुक्त हो गया मैं। चलो भाई, नहीं तो व्याधि मध्य वसाना, पाप मुक्त भूमि तो प्रभाव, गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। हमने करोड़ों पाप किए, मेरे लाखों पाप खत्म हो गए। अब सुन हो गया है भाई शरीर, अब ठंड नहीं लग रहा है। ये दोस्त नारे नाव में कहाँ जाएगा, अरे तिरके जा। मेरा कौन पदरी है, नीचा ये है। कान में माला, मैं भी सुत गया। लावा हरियाणा के थोरे ने मारी है डुबकी, मुसाफिर मार के दिखावा डुबकी। हाँ ले, अरे ओ राहुल दाद ननिया और लंबू ना बाबा की दया, लंबू बाबा की दया आ गया है वाराणसी वाराणसी में। काशी विश्वनाथ सन्नी देव का हाथ उठेगा नहीं, अरे बना के दिखाएगा ये योगी, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। फिर जिसके सर पे भगवान भोले का हाथ हो वो झुकेगा नहीं, बात वही बात है भाई, नहीं झुकेगा भाई। जब तक राम राम है तो राम है, हर हर महादेव को आगे तो सही है। फिर कैसा लगा, कैसा? अरे बिल्कुल गर्म पानी है भाई। या बस भाई, विगत विषय रसरागम भागम योगेषु विभ्रतम वंदे त्रिपुरादिकदनुजां तं गिरिजाकान्तं सदैव शंशान्तम्। हर हर महादेव, लीला विजित कृतां तं। लो भाई दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से स्नान किया और एक बाबा का साथ हो गया भाई, वो तब से मंत्र जाप ही कर रहा है भाई, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह, भगवान श्री राम के रामायणा बहुत मंत्र जाप किए। अब हम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं, बिल्कुल गंगा में स्नान किया,
ठंडा पानी था, आधे पौने घंटे तक मतलब स्नान किया यहाँ पे। अब चल रहे हैं भाई, दोपहर हो गया और देखो ऊँट दिख रहे होंगे वहाँ पे दूर दूर तक, टापू है, पानी बहुत ठंडा था भाई। मंदिर में जा रहे हैं भाई, मंदिर का ये सीन है कि भाई कैमरे वगैरह, कैमरे, फ़ोन, ब्लूटूथ, अपने बैग, वो बाहर अंदर लॉकर मिल जाएंगे, सरकारी लॉकर है, उसके अंदर जमा करवाओ, फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए मिलेंगे, नहीं तो मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, फ़ोन के साथ तो नहीं करने देते भाई। चलो मिल गया, ले भाई तीसरे ज्योतिर्लिंग से भी एक माला ले ली हमने, और इसको अब हम भगवान से आशीर्वाद लेकर के इसमें भगवान शक्तियाँ भाई फूंक देंगे। जय हो, हर हर महादेव। भगवान इसमें शक्तियाँ फूंक देंगे भाई, और फिर हम इसे अपने गले में धारण कर लेंगे भाई, और 12 की 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करके और आपको दिखाएंगे। हर एक ज्योतिर्लिंग से हमने एक माला ली है, तीसरी हो गई हमारी। काशी काशी जी काशी, बिल्कुल ये क्या है, मसाले इसे क्या बना के दे रहे हो? ये मसाला है, मसाला सब मिक्स, किस चीज में यूज होगा? गरम मसाला है भैया, कोनो सी में यूज कर सकते। अच्छा, सबको मिक्स करके पिक्स पीस के यूज करो सब्जी में, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, काली मिर्च, जीरा, धनिया, हर तरह का, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बथुआ, वो अभी हरियाणा वाला बथुआ भाई, बथुआ ही बोलते हो इसको, बथुआ। अरे वाह, फूल, पेड़ पौधे, गोभी, ये देख लो भाई, शादीशुदा इंसान ऐसे लेके जाते हैं भाई, देखो काशी से वो ऐसे लेके जाते हैं है? और दो ही बंदे हैं बस, आंटी डिस्टर्ब कर रही है, देखो दो बंदे जा रहे हैं बस सिर्फ। ले भाई साहब, बुढ़ापे में शादी किया है भाई ने। चलते रहो काशी में, घूमते रहो भाई, फुल टूरिस्ट प्लेस है, एक नंबर का काशी विश्वनाथ टेम्पल। और यहाँ आज भी वो तांगे की तरह चलता है, देखो मैनुअल रिक्शा वाले लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ से एक टर्न लेके हम मंदिर की तरफ निकलेंगे, यहीं पे हम घाट के तरफ गए थे पीछे, सही है भाई, अच्छा है घूमने के लिए, घूमो, बढ़िया है जी। खाना पीना अच्छा है, खाना पीने में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे धर्मशाला वगैरह नहीं मिलती भाई, धर्मशाला लेनी हो ना वो नहीं मिलेगी। ये क्या है भाई, ये कौन सा पहना हुआ है, ये देखो भाई, लोग टूरिस्ट बहुत अलग अलग देशों से आते हैं घूमने के लिए, विश्वनाथ ही जा रहे हैं भाई, पता है, ये देख लो भाई साहब, गेट के पास ही अपना भाई के लॉकर लो भाई साहब, हम सरकारी लॉकर लेंगे भाई, सरकारी लेंगे भी, सरकारी दो नंबर गेट पर मिलेंगे। अच्छा है, हमारे यहां पे हालात तो अच्छा तो ले लीजिए, मंदिर खाली है भैया, 20 मिनट आधे घंटे समय, हाँ बस 10-15 मिनट लगती है मंदिर में दर्शन करने की, ज्यादा भीड़ नहीं है, सावन के महीने में ज्यादा भीड़ होती है, सावन के महीने में, हाँ पानी भी बहुत ज्यादा होता है गंगा में, बारिश भी ऊपर से रोड पे पानी आ जाता है घाट से, मजा अलग है क्या। खाली है 20 मिनट आधे घंटा समय देंगे, ये है मंदिर वाली गली, बाहर भी था, अच्छा विश्वनाथ गली नाम है क्या इसका। हेलो गाइस, भाई साहब चप्पल जूते मोबाइल वगैरह, भाई बहुत दूर है यार, वापसी इधर से आएंगे, 20 मीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई,
कोई चार्जेस नहीं है भैया, फिर आपको रिटर्निंग वापसी आगे जाना पड़ेगा बड़े भाई। अरे कोई बात नहीं यार, देख लो भाई ऐसा है, देखो इनकी ड्यूटी है ये तो भाई पूरे करते हैं। अब इनकी ड्यूटी में आप इंक्लूड हो रहे हो तो भाई वो आपकी मर्जी है, बाकी इनकी ड्यूटी है दुकान वाले के लॉकर वगैरह आपको सुविधा प्रदान करना। लेकिन इतना लंबा कौन जाएगा यार, यहाँ पे मैं बैग जमा करवा दूँ फिर इतना लंबा चलूँ फिर वापस आऊँ। सरकारी लॉकर भी है अंदर, सरकारी लॉकर भी मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, विश्वनाथ गली। खोजते रहिए पूरा मार्केट, हर हर गंगे लेकर जाओ महादेव। ये रही वो किस्ती, एक तो लेके जाऊंगा मैं इसको जाते वक्त। देख लेंगे दो लेंगे तो हम में देख लेंगे। ओए हेलो हेलो, भागो भागो। भाई भाई गुरु देखो हम करवा देंगे होगा, वो गेट है भाई आगे से आए थे। यहाँ ये बोट मिल रही थी, फ्री लॉकर है, फ्री लॉकर है भाई। 40-50 रुपए की माला लो, इनका सामान लो, फिर ही आपको लॉक कर देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉकरों की सुविधा सारी जगह मिल जाएंगे ऐसे तो। अभी दो नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सरकारी लॉकर दो नंबर गेट की तरफ है। और भाई लेने को तो ना इन पे भी जमा करवा सकते हो, मतलब ये 1,000 से 1.5 किलोमीटर दूर ही बोलना शुरू कर देंगे, यहाँ पे जमा करवा दो फलाना दिगड़ा। लेकिन इतना लंबा चल के फिर वापस वहीं पे आना और फिर ऊपर से सामान लेना पड़ेगा इनका आपको, उसके 100 से 150 रुपये चार्ज कर लेंगे वो, तो लॉकर वाली फीस इसमें निकाल लेते हैं ये लोग। ये देखिए भाई, हाँ ये सब बुला रहे हैं लॉकर के लिए, लॉकर लो इनका सामान लो फिर मंदिर में जाओ। लो भाई यहाँ पे जमा करवा देते हैं अंकल से, 50 रुपये प्रसाद ले लेंगे यहाँ लीजिए भाई। ये भोजन वाली लाइन है, माँ अन्नपूर्णा भोजनालय, हमने तो कर लिया। मस्त बाबा के दर्शन हुए, भीड़ी भीड़ी गली है भाई। वाँ वाँ वाँ। तो भाई साहब अंदर फोन नहीं लेके जाने दे रहे थे, सारे कुछ लॉकर में जमा करवा लिया। मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा जाता हूँ फिर बताऊंगा कि क्या सीन रहता है यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेंपल में। चलिए ब्रदर चलिए, वाओ काशी की मार्केट। हेलो भाई अभी सही है ना, इस मेरे बिल्कुल बैक साइड में पीछे घाट है और ये वैसा ही है जैसा राम मंदिर में मतलब दुकानें है ना, सेम वैसा ही सीन है। प्रधान 50 रुपए के पहिया, ये तो काली मिर्ची वाली टोपिया है नहीं, काली मिर्ची वाली और संतरे की और ये मैंगो वगैरह अलग अलग मिला के देते हो सारी स्टेशन। अभी स्टेशन जा रहे हैं भाई, ट्रेन पकड़ेंगे।
ले भाई स्टेशन चलेंगे भाई। कैंट रेलवे आओ स्टेशन। कैंट पे नहीं साहब ना, जंक्शन जंक्शन वाराणसी जंक्शन। अरे चल यार हमको ट्रेन पकड़ना है यार। आवे आवे बता भाई खरीद थोड़ी लिया यार। एक बार फिर से बताना अगले बार क्या हम सेलेक्ट रहेंगे तो हम सेलेक्ट रहेंगे तब एन अलर्ट रहेंगे तब ना कोई भोसड़ी के हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा अगर हम सही रहेंगे तो कोई नहीं छेड़ सकता। कोई नहीं छेड़ेगा। जब हम ही छेड़ में रहेंगे तो दुनिया छेड़ेगा। दुनिया छेड़ेगा यही वो देखने का मौका मत दो हम लिखाने का मौका नहीं है। सही बात है। कल रात को आए थे हम ये लूट के आए थे। नहीं उधर दूसरे वाले चौड़ा वाले लूट के आए। हाँ 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 रात में कब आए थे? रात के आए थे 10:30। हाँ तब आप मंदिर तक गए होंगे। हाँ मंदिर तक भैया इतने खड़ा कर लीजिए। सखरा वाले रूट पर आ रहे हैं। फिर वो बोला स्पेशल छोड़ दूंगा मैं ना भाड़ा भाड़ा चल तो भाड़ा बोला मैं सवारी उठाऊंगा रास्ते मैं कोई नहीं चलो और उधर से आ गया। हाँ तो वो रिजर्व मांग रहा था आपसे। हाँ हाँ तो आप रिजर्व को मतलब कि आप ही लोग को आप ही लोग को आप ही लोग को लेके जाता मैं कोई नहीं भाड़ा में चले यार। ना जल्दी भोसड़ी वालन के इतना जल्दी भगवान बुलावत ना हो तो जा ही ना। सही बात है वो अपने आप बुला लेता है जब जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है ठीक है पढ़े मगर ठीक है इतना जल्दी मत जाओ। जो चाटो पर दुकान लगाए हो पहले उसको भी तो देखो। चार दुकान का मतलब समझ गए नहीं बाल बच्चा बीवी मतारी कहाँ जाएगी। वही तो तब उसको हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में नहीं हम लोग दुकान कहते हैं। अच्छा दुकान कहते हैं। हाँ हिरन को पेटी कहा जाता है। किसको? हिरन को पेटी कहा जाता है। अच्छा हाँ यह कान यूपी जो दिल्ली के साइड में लगता है और इधर का थोड़ा फर्क है। नहीं यार भी है फर्क है ना फर्क है बोली में भी जाएंगे ऐसा पाएंगे। हाँ 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 गाड़ी मत देंगे ऐसा ऐसा मांग पाएंगे 500 रुपया लेगी आराम से खिला देगी। अच्छा अभी इधर पहले सवारी लेके गए हैं फुल ग्रुप थे पुरनिया थे अजमी थे गए बेटा हमको दवा दुकान पे रोक जाना हमसे ठीक हम दवा की दुकान पे रुक जा रहे हैं दवा लेने के देखिए मेडिकल है ये जाके दवा ले लीजिए। गए दर्द का टिकिया लिया है हम लोटा का पानी भी आगे दे दिए। क्या हुआ? अरे बेटा आपका जैसा ड्राइवर फोन में बना रहे थे नहीं देखे हमसे क्या होगा आप कोई गलती कर दिए। अरे आपका सेवा कर दिए कहीं और सेवा कहीं मिल जाएगा भगवान कहीं तो कहीं देता है जरूर। हाँ दिखा के नहीं देता है मगर देता है अनाज हजार के देता है। तो ये कर्म अपना करेंगे तो हमारे बाल बच्चे हो या हमारे पे कर्म आएगा कभी मिलेगा कभी ना कभी। किसी का बुरा ना करो तो भला भी मत करो यही यही और किसी का भला ना कर सकते हो तो बुरा भी मत सोचो किसी का। लेकिन सभी नहीं सोचते ना ऐसा। पांचों की बराबर है ऐसे पांचों की बराबर हो जाए तो दुनिया एक हो जाए। भगवान को भगवान ना फिर तो इंसान को ही नमस्कार करते हुए आगे बढ़े लोग फिर कौन मंदिर में जाएगा। यही तो भाई काशी पहली बार आए हैं। पहली बार आप देखे होंगे कितना सुंदर लगा होगा बहुत बढ़िया हमारे शंकर जी इतना सुंदर है पूरे उज्जैन गए ओमकारेश्वर भी गए थोड़ा आगे ला भाई आगे ला तभी पास दे पाऊंगी ना।
अरे शिव जी जिंदा रहिए हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ पर फीका हो जाते हैं, यही तो उनकी मस्ती है। बोले तभी बोले कहा जाता है, इसीलिए भोलेनाथ को भोलेनाथ कहा जाता है ना। भोलेनाथ को महादेव महादेव निकला जाए जाए उसमें तोड़ के सिंगल अपना अपना ये लीजिए अपना। धन्यवाद अंकल, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। चलिए ट्रेन पकड़ते हैं भाई, फिर मिलते हैं। ये टिकट करते हैं तो बाजना पड़ेगा मेरे भाई। स्टेशन पहुँच गए वाराणसी रेलवे स्टेशन, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ते हुए अपनी जर्नी शुरू करेंगे भाई। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर, वो देखिए भाई, ठीक है। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए भाई हमारे महाकाल जी के, हमारे शिव भोले के। और भाई वाराणसी बहुत अच्छा शहर है। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग को एंडिंग करते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।